हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कल जैसलमेर वॉर म्यूजियम में लगेगा सबसे बड़ा तिरंगा। जैसलमेर स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जैसलमेर के वॉर म्यूजियम में सेना दिवस के अवसर पर कल 15 जनवरी को खादी का सबसे बड़ा तिरंगा लगाया जाएगा। इस दौरान सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि व अन्य लोग उपस्थित रहेंगे। लेह व मुंबई के बाद जैसलमेर तीसरी ऐसी जगह है जहां खादी का तिरंगा लगाया जा रहा है। इससे पहले खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज लद्दाख के लेह में गत 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर स्थापित किया गया था। जानकारी के अनुसार खादी ग्रामोद्योग द्वारा 225 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा राष्ट्रीय ध्वज वॉर म्यूजियम में लगाया जाएगा। इसका वजन करीब 1000 किलोग्राम है। राष्ट्रीय ध्वज को लगाने में दर्जनों जेसीबी मशीनें लगी हुई है। यहाँ झंडा करीब 37,500 वर्ग फुट में फैला हुआ है। जैसलमेर पहुँचने का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग जोधपुर मार्ग ही है। अधिकांश सैलानी इसी सड़क मार्ग से जैसलमेर पहुँचते हैं, जिसमें दूर से आते हुए देशभक्ति की भावना जागृत कर देती है। इतना बड़ा राष्ट्रीय ध्वज दूर से ही जैसलमेर की शान और बढ़ाएगा। जैसलमेर में रेलवे स्टेशन व वॉर म्यूजियम में पहले से बड़े ध्वज लहला रहे हैं, लेकिन वॉर म्यूजियम के पास पहाड़ी पर यह पहला मौका है जब राष्ट्रीय ध्वज लहराया नहीं जबकि लगाया जाएगा। 37,500 वर्ग फीट पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाएगा। ये जैसलमेर के लिए बहुत बड़ी बात है कि लेह व मुंबई के बाद इस प्रकार के राष्ट्रीय ध्वज के लिए जैसलमेर का चयन किया गया है। जागरूक टीवी के जैसलमेर से अचल डांगरा की रिपोर्ट।